हेलो गाइस, वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। सो गाइस, इस साल जब आराध्या और ऐश्वर्या कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए गए, तब उनके साथ अभिषेक बच्चन ने उनको ज्वाइन नहीं किया, लेकिन लास्ट ईयर अभिषेक बच्चन इन दोनों के साथ गए थे। और उसके बाद ऐश्वर्या की मॉम वृंदा राय का बर्थडे था, तब भी ऐश्वर्या और आराध्या ने ही पिक्चर्स पोस्ट की एक साथ, अभिषेक उसमें भी नहीं थे। और फिर अभिषेक बच्चन गए आइफा अवार्ड्स के लिए, वो गए अकेले क्योंकि पिछले साल ऐश्वर्या आराध्या उनके साथ थी, इस बार वो उनके साथ नहीं गए और अभिषेक अकेले देखे गए। तो फिर से काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स होने लगी कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है दोबारा से ऐश्वर्या और अभिषेक में, इसीलिए वो एक दूसरे को सपोर्ट करने एक दूसरे के इवेंट्स में नहीं जा रहे। लेकिन जब अभिषेक बच्चन से ऐश्वर्या के बारे में पूछा गया आइफा अवार्ड्स में, तब उन्होंने मीडिया को बताया कि ऐश्वर्या है बिजी आराध्या के स्कूल कमिटमेंट्स को लेकर, इसीलिए वो आइफा अवार्ड्स अटेंड नहीं कर पाई। ये लास्ट ईयर की आइफा अवार्ड्स की ब्यूटीफुल मोमेंट्स है, जब ऐश्वर्या और आराध्या अपने हस्बैंड अभिषेक बच्चन को सपोर्ट करने आइफा अवार्ड्स में गई थी, क्योंकि तब अभिषेक बच्चन ने वहाँ डांस परफॉर्मेंस भी की थी, आइफा को होस्ट भी किया था। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ, तो फिर से ये र्यूमर्स उठने लगी कि शायद अभिषेक और ऐश्वर्या में फिर से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी इन बातों में कितनी सच्चाई है इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर जैसे अभिषेक ने बताया है कि ऐश्वर्या बिजी है आराध्या के लिए, तो हो सकता है कि ऐसी ही सच्चाई हो। ऐश्वर्या अभिषेक को एक साथ देखने के लिए उनके फैंस काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अपने व्यूज भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।